हेलो स्टूडेंट एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। लेट्स डिस्कस स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डिस्कस क्लास 10th सब्जेक्ट इंग्लिश एंड वर्कशीट नंबर 62 एंड दिस वर्कशीट फॉर 5th ऑफ दिसंबर 2020। सो राइट हियर द नेम ऑफ स्टूडेंट एंड नेम ऑफ द क्लास टीचर। तो आइए हम पढ़ते हैं फर्स्ट फ्लाइट का जो पोएम है आपका एनिमल्स, मोस्ट इम्पोर्टेंट पोएम है जिसे लिखा है वॉल्ट हिटमैन ने, वॉल्ट हिटमैन। और इस पोएम में ओवरऑल आइडियाज़ क्या है, द टोटल ओवरऑल आइडियाज़ अबाउट दिस पोएम। दिस पोएम द पोएट टेल्स अस दैट ही फील्स मोर एट होम विथ एनिमल्स देन ह्यूमन्स होम ही फाइंड्स कॉम्प्लिकेटेड एंड फॉल्स। यानी इस पोएम में जो राइटर है, कवि है, उसे इंसान की जो कंपैरिजन में जो एनिमल के साथ रहने में ज़्यादा आराम मिलता है, मज़ा मिलता है, वह किसे अधिक विकट और झूका मानता है। आइए इसे हम बेहतर तरीके से रीड द फॉलोइंग पोएम एंड आंसर द डैट फॉलो क्वेश्चंस। तो इस पोएम को प्रॉपर वे में एक एक करके हम डिस्कस करते हैं, देन वी विल डिस्कस आंसर। ओके, आई थिंक आई कुड टर्न एंड लिव विथ एनिमल्स, दे आर सो प्लेस्ड एंड सेल्फ कंटेन्ड, आई स्टैंड एंड लुक एट देम लॉन्ग एंड लॉन्ग। प्लेस्ड होता है, पहले फर्स्ट ऑफ ऑल इसका मीनिंग आप समझ लीजिए। प्लेस्ड इसका मीनिंग क्या होता है बच्चों, ये प्लेस्ड का मीनिंग होता है आपका जो पीसफुल माइंड, यानी काम या पीसफुल माइंड यानी शांत दिमाग, राइट। सो आई थिंक आई कुड टर्न एंड लिव विथ एनिमल्स, दे आर सो प्लेस्ड एंड सेल्फ कंटेन्ड, आई स्टैंड एंड लुक एट देम लॉन्ग एंड लॉन्ग। हेयर राइटर सेज कि मैं सोचता हूँ कि काश मैं मुड़ सकता और जानवरों यानी पशुओं के साथ रह सकता, क्योंकि पशु बहुत शांत और अपने आप में मस्त रहते हैं और मस्त रहने वाले होते हैं। मैं खड़ा होकर उनको बहुत लंबे समय तक देखता रहता हूँ। दे डू नॉट स्वेट एंड वाइन अबाउट देयर कंडीशंस, दे डू नॉट लाई अवोक इन द डार्क एंड स्वीप देयर सीन, दे डू नॉट मेक मी सीक डिस्कसिंग देयर ड्यूटी टू गॉड एंड नॉट वन इज डिससेटिस्फाइड, नॉट वन इज डिमेंटेड विथ द मानिया ऑफ ऑनिंग थिंग्स, नॉट वन नील्स टू अनदर नॉट टू हिज काइंड दैट लिव्ड थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स अगो, नॉट वन इज रेस्पेक्टेबल और अनहैप्पी ओवर द होल अर्थ, ओवर द होल अर्थ। सो हेयर राइटर ट्राइंग टू कन्वे द आइडिया कि वे अपनी स्थिति के बारे में जो न तो दुख होते हैं और न वे रातों को जागकर अपने किए गए जो मतलब सीन है यानी सिन यानी पाप होते हैं, ठीक है, पापों के लिए नहीं रोते हैं वे भगवान के प्रति, दे डू वे भगवान के प्रति अपने कर्तव्य के बारे में बातें करते हैं यानी अपने ड्यूटी के बारे में बातें करते हैं। नॉट वन इज डिससेटिस्फाइड, नॉट वन इज डिमिनेटेड विथ, और बस कर्तव्य के बारे में बात करते हैं और वस्तुओं को अपनाने की शनक के यानी सेन मीन्स काफ़ी जो है ना पागलपन होना, ठीक है, तो वो वस्तुओं को अपनाने की शनक के कारण मुझे दुखी नहीं करते हैं, उनमें से कोई दूसरों के आगे घुटने नहीं टेकता और न ही उन्होंने कभी हजारों वर्ष पहले ऐसे किया होगा, थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स अगो ऐसा किया होगा। उनके लिए संपूर्ण पृथ्वी पर कोई भी सम्माननीय और दुखी नहीं है, कह रहा है
नॉट वन इज रिस्पेक्टेबल और अनहैप्पी ओवर द होल अर्थ, उनके लिए कोई इस पृथ्वी पर सम्माननीय यानी रिस्पेक्टेबल और सैड नहीं है। ओके फ्रेंड्स, आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। शो दे सॉ देयर रिलेशंस टू मी एंड आई एक्सेप्ट देम, दे ब्रिंग मी टेकन ऑफ माई सेल्फ, दे एविंस देम प्लेनली इन देयर पजेशंस, आई वॉन्डर वेयर दे गेट दोज टोकन्स, डिड आई पास दैट वे ह्यूज टाइम्स अगो एंड नेग्लिजेबली ड्रॉप देम। सो नॉट वन इज सो दे सो देयर रिलेशंस टू मी एंड आई एक्सेप्ट देम, अर्थात वे मेरे पर जो मेरे प्रति अपना जो संबंध है, रिलेशन है, वो दिखाता है और वे मैं उनके को स्वीकार करता हूँ और वे मेरे लिए अपने जो संकेत है, साइन है, राइट, साइन है, संकेत है, वे उन्हें अधिकार की वस्तुओं के ऊपर स्पष्ट रूप से यानी प्रूफ होता है। मुझे वंडर, आई वंडर मतलब आई थिंक मतलब आई वंडर यानी मुझे ये आश्चर्य लगता है कि वेयर दे गेट दोज टोकन, कि उन्होंने इन टोकन यानी साइन को यानी चिन्ह को कहाँ से प्राप्त किया है, राइट। डिड आई पास दैट वे ह्यूज टाइम्स अगो एंड निग्लिजेंटली ड्रॉप देम, और क्या मैं कभी काफ़ी समय पहले उसे रास्ते से गुजरा था और लापरवाही से उन्हें यानी उस साइन को क्या किया था, गिरा दिया था, उस साइन को गिरा दिया था। वॉल्ट हिटमैन ने लिखा है फ्रॉम, ये कहाँ से लिया गया, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ इन लीव्स ऑफ ग्रास, इनकी जो पोएम की कलेक्शन है लीव्स ऑफ माई ग्रास से, वहाँ से लिया गया है। और उस पोएम का उसमें बड़ा सा पोएम है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। चलिए अब इसमें जो टास्क गिवन है इस सभी का आंसर देखते हैं, राइट। आई होप आपको ये ओवरऑल कंटेक्स्ट आइडिया समझ में आया होगा, जो पोएट कैसे कंफर्टेबल लाइफ और एक एनिमल्स कैसे कंफर्टेबल लाइफ, दोनों के लाइफ को का कंपैरिजन हमें पढ़ने को मिलता है। और कहते हैं इंसान जो है ना वो पशुओं के साथ रहने में ज़्यादा आराम लगता है, इंसान को इंसान के साथ रहने से ज़्यादा पशुओं के साथ रहने से ज़्यादा आराम मिलता है, ठीक है। तो आइए इसे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, व्हाट डज द पोएट वांट टू टर्न इनटू, द पोएट क्या होना चाहता है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, पोएट वांट टू टर्न इनटू एनिमल्स, व्हिच वर्ड इज सिमिलर टू द वर्ड काम, सिमिलर टू द वर्ड काम, काम के सिमिलर वर्ड कौन सा है। प्ले सीड, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट स्टेटमेंट फॉर द गिवन पोएम, करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। तो ये दिस पोएम इज रिटन इन ब्लैंक वर्स, ये पोएम ब्लैंक वर्स में लिखा गया है। दीज स्टेंजास ब्रिंग्स आउट द कंपेरिजन बिटवीन ह्यूमन एंड एनिमल्स, ह्यूमन एंड एनिमल्स के बीच कंपेरिजन है। एंड नेक्स्ट वन इज, आइए इस सभी क्वेश्चन का आंसर हम आपको दिखाते हैं। वॉट इज द पोएट्स विश, What similarities does the poet find between the human beings and the animals, and explain the satisfactions that animals have and a human don't? Why is poet impressed by animals, and it is not complaining but the accepting a situation the key to happiness in life? Elaborate in context of the poem, and how has the poet compare human and animals in the poems? Do you agree with the poet point of view? Give the reasons to support your answer. So let's start answer. This worksheet 62, class 10th English worksheet 62. Friends, if you are new in my channel, please subscribe my channel and like this video and comment also. Because अगर आप comment करते तो मैं motivate होता और मुझे काफी अच्छा लगता है। What does the poet want to turn into? The poet want to turn into animals. This is your answer. Not God, human or Superman. Okay? And which word is similar to the word calm? The placed. This word is similar to the calm. Calm means sant. Peacefully mind.
एंड थर्ड वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट स्टेटमेंट फॉर गिवन पोएम, करेक्ट स्टेटमेंट. तो द पोएम इज रिटन इन ब्लैंक वर्स, दिस पोएम इज रिटन इन ब्लैंक वर्स. द स्टेंजा ब्रिंग आउट द कंपेरिजन बिटवीन ह्यूमन एंड एनिमल्स, नॉट ह्यूमन एंड सुपरमैन, नॉट गॉड एंड ह्यूमन, नन ऑफ दिस, ह्यूमन एंड एनिमल्स. वॉट इज द पोएट विश, वॉट इज द पोएट विश, पोएट के विश क्या है. द पोएट विशेज इफ ही कुड बी ट्रांसफॉर्म एंड लिव विथ एनिमल्स, वो चाहता है यदि एनिमल्स के साथ रहूं. द पोएट थिंक्स डैट एनिमल्स आर बेटर देन ह्यूमन बींग्स, और पोएट सोचता है जो एनिमल्स जो है ना ह्यूमन बींग्स से बेटर है, बेटर है. ओके फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 6, वॉट सिमिलरिटीज डज द पोएट फाइंड डिफरेंस डिफरेंस बिटवीन डिफरेंस या डिफर बिटवीन द ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स. अकॉर्डिंग टू द पोएट देयर आर मैनी सिमिलरिटीज बिटवीन ह्यूमन एंड एनिमल्स, बोथ ईट स्लीप. जो ह्यूमन और एनिमल के बीच में जो सिमिलरिटीज है वो क्या क्या है, और सिमिलरिटीज है ये नहीं है फ्रेंड्स. तो पोएट के बीच में जो सिमिलरिटीज है, जैसे खाने में सिमिलरिटीज है, मतलब एक जैसा है, इंसान भी खाता है एनिमल्स भी खाता, सोता भी इंसान है एनिमल्स भी सोता है, ठीक है. थिंक एंड कम्युनिकेट, बातें भी करता है इंसान भी, सोचता भी है इंसान भी और एनिमल्स भी सोचता है और बातें भी करता है. बोथ आर ऑल्सो सिमिलर इन लॉट्स ऑफ देयर बॉडीज, और बहुत सारे के तो पंजे भी सिमिलर होते हैं, पैर भी सिमिलर होते हैं, नाखून भी सिमिलर होते हैं. ओके फ्रेंड्स, तो आई होप यू गॉट इट. नाउ क्वेश्चन नंबर 7, एक्सप्लेन द सेटिस्फैक्शंस दैट एनिमल्स हैव एंड ह्यूमन डोंट. जो एनिमल्स के पास वो सेटिस्फैक्शन है लेकिन ह्यूमन के पास नहीं है, क्या ऐसा वो चीज़ है, उसके बारे में एक्सप्लेन करना है. ओके फ्रेंड्स, तो एनिमल्स डू नॉट मेक सीक डिस्कशन, वो जब बीमार पड़ते हैं, उन्हें जब ऐसा कुछ प्रॉब्लम होता है तो किसी से डिस्कस नहीं करते हैं, ठीक है. उन चीज़ों का वर्णन करना है जो पशु के पास नहीं होता. तो देखिए, देयर ड्यूटी टू गॉड, और दे डोंट डिमांड फॉर थिंग्स, और वो कोई ऐसी चीज़ों के लिए गॉड को भी से भी डिमांड नहीं करते हैं. ओके, एंड क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज पोएट इम्प्रेस्ड बाय एनिमल्स. द पोएट इम्प्रेस्ड बाय एनिमल्स बिकॉज दे नॉट एनी टाइप लिस्ट ऑफ डिमांड फॉर थिंग्स. पोएट इसलिए एनिमल्स से इम्प्रेस है क्योंकि उसके पास जो डिमांड है कुछ नहीं है, कोई ऐसा डिमांड है ही नहीं उसके पास, राइट, किसी वस्तु की. दे डू नॉट नील्स, उसे नहीं घुटने टू एक दूसरे के, जो घुटने होते हैं ना नील्स मीन्स, तो एक दूसरे की ज़रूरत भी नहीं होती है. नो वन इज मोर एंड लेस रिस्पेक्टेबल और अनहैप्पी ओवर द होल अर्थ. एंड क्वेश्चन नंबर 9, इट इज नॉट कंप्लेनिंग बट एक्सेप्टिंग. इट फ्रेंड्स, इसे आप सुन लीजिए, इट इज नॉट कंप्लेनिंग बट एक्सेप्टिंग सिचुएशन द की टू हैप्पीनेस इन लाइफ, एलाबोरेट इन कंटेक्स्ट ऑफ द पोएम एनिमल्स. ह्यूमन ऑलवेज कंप्लेन फॉर देयर बैड सिचुएशन इन स्पाइट ऑफ एक्सेप्ट दिस एंड ट्राई टू हैंडल एज एनिमल हैप्पी इन ऑल सिचुएशन एंड एक्सेप्ट ऑल थिंग्स वॉट एवर हैपेंड अराउंड देम सच एज ह्यूमन बींग्स ऑल्सो एक्सेप्ट ऑल सिचुएशन बिकॉज एक्सेप्टेंस ऑफ सिचुएशन एंड फेस इट कैन मेक अस हैप्पी. और इस क्वेश्चन को आप वर्कशीट में भी देख सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 10, हाउ हैज द पोएट कंपेयर्ड ह्यूमन एंड एनिमल्स इन पोएम. डू यू एग्री विद द पोएट पॉइंट ऑफ व्यू, गिव रीजन टू सपोर्ट योर आंसर.
पोइट सेज डैट एनिमल्स आर वेल क्रिएचर, पोइट कहता है जो एनिमल्स जो है ना वेल क्रिएचर है, बहुत अच्छा क्रिएचर है इंसान से, देन ह्यूमन। ही सेज डैट ह्यूमन हैव लॉस्ट ऑफ लॉट्स ऑफ द ट्रू मीनिंग ऑफ लाइफ इन द फास्ट प्लेस प्लेस लाइफ, वाइल द एनिमल्स स्टिल इंजॉय द ट्रू ब्यूटी ऑफ लाइफ एंड नेचर, द फैक्ट इज ट्रू बिकॉज पीपल आर नॉट गिविंग इम्पोर्टेंस फॉर देयर रिलेशन। द ओनली वॉन्ट टू अर्न मनी टू मेक देयर लाइफ इजियर एंड हैप्पियर, दे आर लूजिंग देयर वर्चू एंड क्वालिटी डे बाई डे। दे नेवर थिंक टू हेल्प एनी वन इफ समवन नीड, दे आर रेडी टू डू समथिंग्स रॉन्ग ऑफ अदर्स इफ दे गेट पर्सनल बेनिफिट इन दिस इन अनदर। अदर हैंड एनिमल्स आर इंजॉइंग देयर लाइफ विदाउट एनी ग्रीड, दे आर मोर गुड देन ह्यूमन, दे आर मोर गुड देन ह्यूमन। फ्रेंड्स, इस वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आप नए हैं तो। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स थैंक्स फॉर वॉचिंग।